अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं एआर व्लॉग्स। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज घर वालों ने माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सालन बनाया अचार गोश्त, तो अभी हम खाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी प्यारी बोटियाँ हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सालन है दिखने में भी, और खा के देखते हैं। और साथ ये देखें मज़ेदार सा सैलड घर वालों ने बनाया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और दूसरी चीज़ इसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब नान के साथ खाते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी नान, गरम गरम नान है, तो अब हम इसके साथ खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी नरम बूटी, क्या बात, और इतना गर्म सालन है कि हाथ में नहीं अभी आ रहा। ओह बहुत ही मज़ेदार जूसी है। दोबारा उतारने की कोशिश करते हैं, काफ़ी गर्म है और बोटी भी साल लग चुकी है इस टाइम। ये देखिए आप देख सकते हैं, साथ ग्रेवी भी ले लेते हैं। ये देखिए जो मज़ेदार से मसालों की ग्रेवी है ना, बहुत अच्छा फील करवा रही है। ये देखें ये अचार कुछ बनाया ना, तो बहुत ही अच्छा बना है। घर वालों से फरमाइश पे बनवाया मैंने आज, बहुत ही मज़ेदार है। अभी हम खाना खा लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार खाना है। खाने के दौरान मैं सोच रहा हूँ कि पहले खाना खा लूँ फिर वीडियो बनाई जाए, तो अभी हम खाना खा के ना फिर आपसे मुलाकात होती है। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने और भाई ने खाना खाया, खाना बहुत ही मज़ेदार था। और एक तो ईद है तो सबको ईद मुबारक पहले तो, और दूसरी बात खाना इतना अच्छा था कि ऐसे लग रहा था कि देसी घी में तैयार किया गया है। तो छोटा गोश्त था माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ था। अचार मुर्गी दी जो मामा ने बनाई है, गोश्त ऐसे गला हुआ था जैसे खाद लगाते ही वो ऐसे नवाले के अंदर आ जाता है, इतना मज़ेदार और नरम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आया। तो अभी हम तकरीबन हो चुके हैं 6 बजने में, 15 मिनट रह गए हैं ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से यही टाइम है। हाँ 5:43 हो चुके हैं। तो अभी कोई प्लान होता है कोई बाहर जाने का, कोई चक्कर ऐसा होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई अपडेट होती है या कोई ऐसी कोई सीन होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। उम्मीद करूँगा कोई सिनेमैटिक शॉर्ट्स भी ज़रूर बनाऊँ, क्यों मुझे शौक़ है सिनेमैटिक शॉर्ट्स का, पर मैं कभी बना के नहीं देखे, तो आगे कुछ सीन होता दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज दूसरा दिन है तो मैंने व्लॉग शूट नहीं था किया, वो जो मैंने कल आपको दिखाया था ना वो फिर मैंने उधर ही छोड़ दिया, क्यों मुझे कोई आइडिया नहीं था और ना मैं कहीं पर घूमने गया था। तो एक तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो दूसरी बात फिर मैंने रात को तकरीबन 10:30-11 बजे मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, और अभी दोबारा मामू के घर जाना है, तो उधर जा कर फिर जो होगा सीन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। और साथ अभी मैं कपड़े चेंज करने लगा हूँ, बस नहाने जा रहा हूँ, तो अब आपसे नहा के ही मुलाकात होगी, तो चलते हैं नहाने, अब नहा के ही मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई
तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने बस कंघी नहीं की, तो ये देखिए मेरी शर्ट पे कितने खूबसूरत फूल बने हुए हैं। शर्ट मुझे बहुत ही पसंद आई है, बहुत प्यारे फूल बने हुए हैं, गुलाब का फूल बना हुआ है। तो एक तो शर्ट की लुक काफ़ी अच्छी है, और दूसरी बात मैंने नीचे जो पैंट पहनी है ना, जीन्स की है, ब्लैक कलर की है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, शायद आपको कैमरे में सही नज़र ना आ रहा हो। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये जीन्स की पैंट है ब्लैक कलर की, तो इसकी भी ज़रा अपनी शाइन है। तो बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, और मैं परेशान हूँ कि 12:30 हो चुके हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी तो ये स्टार्ट है, दिन का टाइम है, तो फिर देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि गर्मी के अंदर जाना एक तो बहुत ही मुश्किल है। ये मेरे पहले पैंट शर्ट पड़ी हुई है जो मैंने कल पहनी थी, अभी तो कहीं मैं गया नहीं था, और अभी मैंने ना फिर पहनी नहीं, ना फिर कोई सीन हुआ, तो फिर उसकी वजह से मैं कल का व्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई, कोई इसका व्लॉग का सीन आगे जो है दूसरा पार्ट बना लेते हैं। तो अभी मैं शूज़ पहनता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे शूज़ हैं जो मैं अभी पहनने लगा हूँ, तो चले पहनते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। देखें अभी ये देखें, ये देखें जी, भाई भी मेरा नहा के आ चुका है अभी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे उसने कपड़े पहने हुए हैं। तो काफ़ी कमरे में गर्मी है, अभी देखें आपका भाई तैयार हो चुका है। ये देखें शर्ट पैंट और नीचे शूज़ वाइट, तो आप देख सकते हैं। गेटअप मेरा बस मैंने कंघी नहीं की, वो भी बस थोड़ा सवार लेते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो फिर जाने की तैयारी करिए, सारा कुछ यहाँ से ले लेते हैं, मोबाइल अपना। टाइम हो चुका है 12:00 तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, 40 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, चालीस मिनट हो चुका होने वाले हैं। और अभी हम नीचे चलते हैं, सोच रहा हूँ यार टोपी पहन नहीं लूँ, क्योंकि एक तो धूप होगी, दूसरी बात एक तो सेफ्टी इस बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे पास टोपी पड़ी हुई है, वो टेबल पे मेरी टोपी है जो मैं अभी सोच रहा हूँ पहन लेता हूँ। तो ये देखें जी, मेरी अभी टोपी काफ़ी गंदी है यार, अभी तो मैंने कल अभी साफ़ की थी, तो अभी इसको साफ़ करते हैं फिर पहनते हैं, क्यों शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि एक तो रोशनी है काफ़ी ज़्यादा, तो दूसरी तरफ कैमरा करते हैं। ये देखें अब शायद आपको नज़र आए, मैं सामने अपनी तरफ कैमरा कर लेता हूँ। टोपी देखें कितनी गंदी हो चुकी है, ठीक है साफ़ हो गई है, TCL की टोपी है मेरे पास, तो अभी हम ये पहन लेते हैं वैसे, अभी यार अच्छी लगेगी, और दूसरी बात धूप से भी बचाएगी टोपी। तो चलते हैं नीचे, कुछ सीन होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, भाई मेरा तैयार हो रहा है, तो कोई सीन होता है दिखाता हूँ। मैंने व्लॉग का एंड इसलिए नहीं था किया क्योंकि काफ़ी मेहमान आए हुए थे और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने कल ही आके फिर अपनी तो दाढ़ी साफ़ की है, और साथ मैंने कहा चले व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।